तानसेन बोला कि मुझे यहीं रख लो। स्वामी जी बोले अभी अधिकारी नहीं बना है। स्वामी जी बोले सुनो तुम चले जाओ दिल्ली। बोले क्यों? वहां बादशाह अकबर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अकबर का नाम सुनते ही तानसेन के तो बोलो ओहो गा के सुनाऊंगा सोने की मोहर दिया करेगा। अच्छा गुरु जी कब जाऊं? बोले हैगी बस हैगी श्रद्धा पूरी नेक में निकल जा और वहां जाकर के ये राग गई हो राग को नाम बोल दियो तेरे राग को सुनकर के तेरो 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 कहा के तेरो मुनीद है जाएगो अकबर। ठीक है तानसेन तो तुरंत प्रणाम करके क्षण भर भी नहीं रुको तुरंत भाग गया दिल्ली। स्वामी जी तो सबके हृदय की जाने। तानसेन गया जाकर के अकबर को जैसे ही वही राग सुनाया जो स्वामी जी ने कहा। अकबर तो बड़ा रिजवार खूब सुनता था वो तो उसने ऐसा स्वर सुना ही नहीं। महाराज सिंहासन से उठ करके आके खड़ा हो गया तानसेन जी के सामने आकर के बोला मेरे नवरत्नों में मैं आपको शामिल करता हूं। क्या गाते हैं आप? मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में त्रिलोकी में आप जैसा गाने वाला नहीं। अब उसकी तो उर्दू भाषा रही होगी हम तो ऐसे ही बोलेंगे। और उसने जो भी बोले वो शब्द लेकिन तानसेन को तभी स्मृति होने लगी अपने गुरुदेव की। बोले देखो आप हमारी गायकी की प्रशंसा करो सब कहो सब अच्छी बात है पर इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा गायक ऐसा तो बिल्कुल मत कहिए। अकबर बोला मैंने पूरे भारत के गायकों को सुना है मुझसे अच्छा श्रोता कोई नहीं होगा तुम्हारे जैसा स्वर मैंने सुना ही नहीं है आज तक। तानसेन जी बोले अभी आपने हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी को नहीं सुना। हमारे गुरुदेव का स्वर सुन लोगे तो आप ये बात कभी नहीं बोल सकते। वहीं एक पात्र में जल था एक बड़ा पात्र था उस पात्र में उंगली बोर के निकाली बोले इसमें जो बिंदु आई है ना मेरी गायकी तो इसके समान है मेरे गुरुदेव की गायकी तो विशाल सागर के समान है अद्भुत गाते हैं। अब अकबर तो बादशाह है झांपना वो तो वैसे ही आगे अच्छा चलो गुरुजी को बुलवाओ अपने को। तानसेन मुस्कुराने लगा वो कभी नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बादशाह बुलाएगा झांपना बुलाएगा वो नहीं आएंगे? बोले आप बादशाह एक देश के हो वो जिस बादशाह को लिए बैठे हैं वो पूरे त्रिलोकी का बादशाह है ब्रह्मांड का बादशाह है और महाराज बड़े राजाओं की सेवा में रहने वाले छोटे मोटे गांव के राजाओं के पास नहीं जाते। ब्रह्मांड का राजा बैठा है हमारे गुरुदेव के पास वो आपके पास क्यों आएंगे? कभी नहीं आ सकते। अकबर की तो अब रट लग गई जब भी मिले तानसेन से मुझे स्वामी जी हरदास जी का स्वर सुनना है मुझे उनका स्वर सुनाओ मुझे उनका। बोले उसके लिए तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा और वृंदावन जाने के लिए आपको अपना राज स्वरूप त्यागना पड़ेगा। इतना आदि हो गया स्वर सुनने का उसने स्वीकार कर लिया मैं राज स्वरूप त्याग कर दूंगा लेकिन मुझे स्वामी जी का स्वर सुनाओ। तो बोले फिर राज स्वरूप त्यागना पड़ेगा तो क्या पहनना पड़ेगा मुझे? वो तानसेन बोले झांपना क्षमा करना गुस्ताखी आपको मेरा दास बन के चलना पड़ेगा मेरा खवासी बन के चलना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले गायकों के साथ में पीछे तानपुरा वाले बैठे रहते हैं तंबूरा उठा के चलते हैं आपको वो बन के चलना पड़े तब तो स्वामी जी सुनाई देंगे नहीं तो नहीं। अकबर ने एक रात सोचा दूसरे दिन बोला ठीक है तैयारी क्या किसी को पता थोड़ी चल रहा मैं तंबूरा उठा के चल दूंगा सुना दो। तानसेन बोला दूसरी बात आप बोलते बहुत हैं क्षमा करें गुस्ताखी क्षमा आप बोलते बहुत ज्यादा गुरु जी के सामने ज्यादा बोलना नहीं चुपचाप स्वर सुन के निकल लेंगे वहां से। अकबर मन में सोचने लगा पहले तो नहीं बोलूंगा लेकिन जाते जाते बता तो जाऊंगा कि झांपना हूं मैं। अरे पता चलेगा कि झांपना आया तो अपने आप ही आनंदित हो जाएंगे। स्वामी जी की स्थिति को कौन जाने। अकबर आया मथुरा तक तो सेना लेके आया मथुरा में अपनी सारी सेना छोड़ी अपना पूरा रूप बदला बिल्कुल महाराज दीन इनसे वस्त्र पहन लिए तंबूरा उठा के तानसेन के पीछे दास बन के चल रहा है स्वामी जी का स्वर सुनने के लिए।
निधिवन राज में प्रवेश हुआ। स्वामी जी अपने मानसी में विराज रहे थे तो तानसेन आदि कुछ लोगों को अंदर प्रवेश था, बाकियों को बाहर ही रोक दिया गया। अकबर को रोकते हुए, तुम यहीं रुको, तानसेन जी आप जाओ भीतर। अकबर की आंखें चढ़ने लगी। तानसेन बोले, नहीं, आप खवास बन के आयो मेरे, वैसे ही रहो, कोई नहीं, ये रोकेंगे आपको, कुछ कहें भी सुन लेना। झांपना सूत्र, कुछ नहीं कर ले, जाते जाते सबको बता के जाऊंगा, झांपना हूं मैं, सब क्षमा मांगेंगे फिर मुझसे। भीतर तानसेन पहुंच गए, जाकर के प्रणाम किया, मानसी निवृत्त हुए। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं, स्वामी जी समझ गए कोई आया भी है साथ में और स्वर सुनने आया। स्वामी जी ने कहा, तानसेन सेवा करो, कुंज बिहारी हो, कुछ गा के सुनाओ। तो तानसेन ने गाने के लिए कहा कि साथ में एक सेवक आया है तंबूरा बजाने, आपकी आज्ञा हो तो बुला लूं भीतर। हाँ बुलाओ, उसको भीतर बुलाओ। बादशाह अकबर पीछे तानसेन के बैठा, हाथ में लिए तंबूरा बजा रहा है, स्वामी जी सामने बैठे हैं। तानसेन ने गाना प्रारंभ, तानसेन जानता है कि मैं प्रत्यक्ष नहीं कह सकता कि कुछ गा के सुना दीजिए गुरुदेव, इसलिए तानसेन ने ऐसा गान किया कि गान में त्रुटि करने लगा, गान में स्वर बिगाड़ने लगा। और क्षमा करें, हम आपके लिए तो ऐसी कोई विधान नहीं है, पर जो लोग नियम से संगीत सीखते हैं, नियम से संगीत का रियाज करते हैं, अलाप लगाते हैं और गायन करते हैं, यदि वो अपने गायन में त्रुटि करते हैं तो उनको पाप लगता है। अब मां ऐसा बता, मां तो ऐसा कहा कि ब्रह्महत्या समान पाप लगता है स्वर में त्रुटि करने पर। तानसेन ने जैसे स्वर बिगाड़ा, स्वामी जी क्रोधित हो गए, क्या गाते हो, यही सीख रहे हो सब दरबारों में गागा करके, और ये झांपनाओं के और ये बादशाहों के और ये इनके यहां रह रह करके सब बिगड़ गया तुम्हारा खान पान सब। और महाराज चार सुना दी बादशाह अकबर को, बादशाह वहीं बैठा था जोर जोर से तंबूरा बजा रहा है। तानसेन बोला, क्षमा करें भगवान, आप कुछ सुना दीजिए, सीधे कहो सुनने आए हो। जी भगवान सुनने आए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कही, तंबूरा नीचे धर दे तू अपनो, और अपनी वीणा लेकर के जैसे ही स्वामी जी ने एक स्वर अलापा है महाराज, वो स्वर अलाप करते ही ऋतुएं एक साथ आकाश में प्रकट हो गईं, झंकार ऐसी कि महाराज कण भी उठने लगे ब्रज के, और जगह जगह के वन के वनचर जीव आ करके चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। सुंदर शीत ब्यार बहने लगी, सब कुछ अनुकूल वातावरण जैसे होने लगा, सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में प्रकट हो गए, अद्भुत का एक स्वर लगाने पर यह स्थिति हो गई। बादशाह के तो नेत्र बंद हो गए, स्वर सुनते ही वो तो श्रोता बहुत ऊंचा था, एक स्वर सुनते ही वो तो भूल गया कि मैं खवास बन के आया हूं, मैं तानपुरा उठाने वाला बन के आया हूं, सब भूल भाल गया। स्वर सुनते ही उसके मुख से निकला, वाह 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 वाह। और जैसे ही उसने वाह वाह करी, स्वामी जी तुरंत मौन हो गए, बोले, कौन है ये, कौन आया तेरे साथ में? भगवान क्षमा करें, क्षमा करें। बादशाह हिंदुस्तान अकबर वो आया है। मैंने मना करी थी मत कहना, कुछ भी मत बोलना, नहीं माने आप। स्वामी श्री हरदास जी महाराज क्रोध में भर गए, बोले, अरे चोरी करके आता है भीतर, हमसे आज्ञा नहीं लेता है, अरे ये कुंज बिहारी जी को स्थान है, उनको स्थान है, हर कोई ऐसे मुंह उठा के थोड़ी चलो आवे को। और झांपना मन में सोच रहा है कि इनको तो पता चल गई मैं झांपना हूं, तो भी नहीं कुछ ऐसा कर रहे कि अच्छा अच्छा बोले, अभी भी सुनाए जा रहे हैं। लेकिन तानसेन ने बार बार प्रणाम किया तो स्वामी जी थोड़े हो गए, किस बात से रिझ गए कि चलो कम से कम कुंज बिहारी की सेवा करने वाले को दास बन के आयो है, या हमारे रिझ गए, चल यही बात से रिझ गए कि कम से कम राजा के रूप में नहीं आयो, दास बन के आयो है। बादशाह कहने लगा, भगवान मैं आपका स्वर सुनकर के बहुत आनंदित हो गया हूं, मुझे कुछ सेवा प्रदान कीजिए, आप कहें तो मैं पूरे निधिवन राज को महल जैसा बना दूं,
सोना चांदी हीरे जा, तानसेन उंगली पकड़ रहा, मत बोलो स्वामी जी के आगे ये सब अपना वैभव मत बताओ। तानसेन का हाथ झकझोर दे, आप कहें तो मैं मणियों से मंडित कर दूं, आपके ठाकुर जी जो हैं कुंज बिहारी जी, इनका बढ़िया मंदिर बनवा दूं, शीश महल जैसा बनवा दूं, खूब सारे ठाकुर जी दिखा करेंगे उसमें, आप मुझे सेवा बताइए, आप कहें तो मैं आपके आपकी आपके मेहमान आपकी नवाजी में ये कर दूं। बोलते ही जावे तानसेन बार बार हाथ पकड़े, मत कहिए कुछ, ज्यादा मत बोलिए गुरुदेव के सामने। स्वामी जी महाराज सुनते रहे, नेत्र बंद करके तानसेन बोला, इसको तो बार करेंगे कि यो नहीं, मुझे भी त्याग दें कि तू भी चलो जा, जीवन में मत आइयो। तानसेन घबरावे मनी मन। अकबर बोले, आप कहें तो महाराज निधिवन, क्या मैं पूरे वृंदावन में मणियां लगवा दूं। तानसेन को क्रोध आया, बोल पड़ा, चुप है जा बावड़े, मत बोले, ये गुरुदेव हैं, स्वामी जी अरदास जी महाराज हैं। स्वामी जी महाराज के नेत्र खुले, सुनो एक काम करो, तानसेन इनको लेकर के जाओ, किसी घाट पे सिड्डियां हैं, उन सिड्डियों में से एक सिड्डी का कोना टूट गया, उनसे कह दो वो बनवा देंगे। सेवा करनी है, बहुत देर से चिल्ला रहे हो, सेवा सेवा सेवा, सोना चांदी हीरे सब डाल दिए, जाओ किसी घाट की सिड्डी का कोना टूट गया, बनवा दो उसको जाके। अकबर कहने लगा, आप हिंदुस्तान के बादशाह से कह रहे हैं कि सिड्डी का कोना बनवा दे? अरे महाराज आज्ञा तो, बोले तू पहले कोना बनवा दे, फिर आगे की आज्ञा करूंगा। जमुना जी में नाव में बैठा करके बादशाह को घुमाया, महाराज स्वामी जी ने ऐसी दृष्टि कर दी बादशाह अकबर की कि संपूर्ण वृंदावन मणिमंडित दिखाई देने लगा, संपूर्ण वृंदावन में स्वर्ण चांदी के ऊंचे ऊंचे महल दिखाई देने लगे। श्यामा श्याम को विलास स्वरूप, श्यामा श्याम जहां नित्य विहार करे, वृंदावन ऐसा सुंदर कि कभी जीवन में कल्पना भी नहीं करी थी अकबर ने ऐसे वृंदावन की। समझ गया, वो समझ गया कि महाराज ये जो बादशाह, ये जो मैं अपनी बादशाही दिखा रहा हूं ना, यहां नहीं चलने वाली है, ये तो पृथ्वी से विलग स्थान है वृंदावन। तानसेन से कहा, नाव मोड़ो, जल्दी चलो गुरुदेव के पास। तुरंत पहुंचे और निधिवन राज में प्रवेश करके बादशाह अकबर ने स्वामी जी को प्रणाम किया, बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। महाराज जी ऐसा वर्णन भी आता है कि बादशाह अकबर के चित्त में वैराग्य आ गया स्वामी जी को देख करके, और उसके मन में यह आ गया कि मैं सब बादशाही छोड़ छाड़ करके निधिवन राज में स्वामी जी की शरण में ही अपनी शरणागति ले लूं। उसके मन में ये भावनाएं प्रकट होने लगी, अभी तक तो बहुत बोल रहा था, अब चुपचाप कुंज के नीचे बैठा है और स्वामी जी को देख रहा है बादशाह। देखते देखते उसके मन में ये इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं सब छोड़ छाड़ करके स्वामी जी का बस चरण सेवक बन जाऊं। स्वामी जी सबके हृदय के जानते हैं, स्वामी जी समझ गए, बोले अगर इसको वैराग्य आ गया और ये सब छोड़ करके निधिवन में आ गया तो या के पीछे पूरी दुनिया भीड़ यहीं आ जाएगी और हमारे रस में भंग है जाएगा, हमारी निकुंज की लीला सब खत्म है जाएगी, ये यहां नहीं रुकना चाहिए, इसको भेजो यहां से। स्वामी जी से उसने केवल निवेदन मात्र किया था, स्वामी जी ने इतने में ही आज्ञा करी, भैया देख भारत की अभी तेरी जरूरत है, तू चलो जा। बोले मैं आपका दर्शन नित्य करना चाहता हूं, क्या करूं? आगरा से एक चित्रकार बुलवाया और महाराज जी पूरी पृथ्वी पर भूमंडल को स्वामी श्री हरदास जी का सबसे पहला चित्र बनवा करके अकबर ने प्रदान करवाया। स्वामी जी का चित्र बनवाया, स्वामी श्री हरदास जी का चित्र बनवा करके अकबर लेकर के गया और जहां वो बैठ के अपना रोज का नित्य कर्म जो भी वो करता था वहां स्वामी श्री हरदास जी का चित्र लगवाया। 5 चित्र थे अकबर के पूजा गृह में, एक अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, दूसरे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, तीसरी भक्तिमती श्री मीराबाई जी महाराज, मीराबाई जी, और श्री भक्तिमती रत्नावती जी, और पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। ये 5 चित्र अकबर के पूजा कक्ष में थे, इसीलिए आज मैं जैसे ही महाराज जी मंच पे आयो मैं आते भक्तनामावली देखने लगा।
भक्त नामावली में अकबर का भी नाम है, अकबर का भी नाम दिया गया है। कल गाएंगे तो अकबर का भी नाम, भक्त नाम भगवद रसिक देव जी ने वहां पर अकबर का भी नाम भक्तों के बीच में रखा। क्यों? बोले कि कुछ भी हो, भले ही वो बादशाह था, मुगल था, म्लेच्छ था, जो भी था, पर रसिक जनों में उसकी निष्ठा थी। स्वामी श्री हरदास जी ने उस पर कृपा की थी, इसलिए उसका नाम लिखा गया। महाराज जी, कभी कभी लगता है कि निश्चित ही पूर्व जन्म का कोई भगत ही होगा, अपराध के कारण म्लेच्छ बना और वो जो भी, और अपनी भक्ति के कारण बादशाह बना। बचा कुचा शेष जो इसके जीवन का भाव रह गया था, वो स्वामी श्री हरदास जी ने कृपा करके इसको पूर्ण कर दिया। इस प्रकार कृपा हुई। अब स्वामी जी के और भी कई भाव हैं। अभी श्री दयाल दास पर कृपा की वह भी भाव आता है, और भी कई भक्तों के सही, मधुकर शाह ओरछा के राजा, उनको तो महाराज जी स्वामी श्री हरदास जी ने, मधुकर शाह के मन में भी वैराग्य आ गया, तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा कर दी, बोले वृंदावन से लेके ओरछा तक तू जहां देखेगा तुझे वहीं वृंदावन दिख जाएगा, आज्ञा कर दी। मधुकर शाह एक दिन बेतवा नदी के तट पर बैठे थे और आपने वृंदावन रसोपासना का चिंतन किया, इतने में ही बेतवा जी श्री यमुना जी में परिवर्तित हो गई, ओरछा वृंदावन में परिवर्तित हो गया, और ठाकुर जी का नित्य विहार उसको दिखने लगा। ठाकुर जी के नित्य विहार रास को देख करके देवता पुष्प वर्षण करने लगे, तो आकाश से बरसने वाले पुष्प पृथ्वी पर आकर के अंतर ध्यान हो रहे थे, तभी मधुकर शाह ने ऐसे झोली फैला करके दो पुष्प रखे, वही स्वर्ण के बन गए। आज भी उनके कुल खानदान में उन दो पुष्पों की सेवा पूजा होती है, विशेष दिनों पर वो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि निकुंज की चाबी ललिता जी के पास है और स्वामी जी श्री ललिता जी के स्वरूप। भैया, आप कोई संप्रदाय के हो, आप किसी भी आचार्य के अनुगत्य में हो, अपने आचार्य अपने संप्रदाय का निष्ठा से पालन करो, पर वृंदावन की जो ये रसिक त्रिवेणी है, इनको किसी संप्रदाय में मत बांधिएगा, इनका आप कभी भी चिंतन कर सकते हो, आपका संप्रदाय खंडित नहीं होगा, क्योंकि ये किशोरी जी के संप्रदाय के हैं तीनों, और किशोरी जी के संप्रदाय के आचार्य इनको आप कभी भी स्मरण कर सकते।